मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसको वो ये कहता है कि यार वाकई अल्लाह एग्जिस्ट करता है। तो जुकान भाई आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि कौन सा लम्हा था जिसमें आपको लगा कि यार वो जो मैं बातें सारी सुनता था वो बिल्कुल सच थी, आज मैंने ऐसे है कि अपने दिल की आंख से अल्लाह ताला को महसूस कर लिया, अगर आप जो हमारे सामने ये रखना चाहें तो। हाँ, ये आपने थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछा। इसमें कहने को तो काफ़ी सारे इवेंट्स इस तरह आए हैं, तो लेकिन उसमें एक शेयर करता हूँ आपके साथ। जब मैं FSC में था, मेरा हुआ इंटीरियर, ये इसलिए ये इवेंट शेयर कर रहा हूँ कि सारा हमसे हाँ रिलेटेड है। FSC में हमारा इंटीरियर जिस दिन था, उससे 10 दिन पहले हमारा FSC का रिजल्ट आया, और मेरे FSC में जो मार्क्स थे फर्स्ट ईयर की नस्बत सेकेंड ईयर में कम आए, थोड़ा डिप्रेस था कि यार ये क्या वजह, हालांकि सेकंड ईयर में ज़्यादा आते होते हैं। तो 10 दिन बाद MCAT था, और इसी चक्कर में मैंने एक दो दिन ज़ाया भी हो गया मेरे, इसी टेंशन में कि नंबर क्यों कम आया। मैं उसकी रीचेकिंग भी करवाई, वो हो जाएगा स्टोरी। अब इंटरेस्ट हो गया, MCAT हो गया, रात को बैठ के हमने की चेक की, मैंने अकेला कमरे में कुंडी लगा ये दी सब चीजें तो हम सब गुजरे हैं, मैं भी गुजरा, मैं भी गुजरा हूँ, की चेक की, बहुत तो मुश्किल उसके होता बाद ना की एंड हो गई, तो मार्क्स का काउंट किया, मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। है। हाँ पिछले साल मेरिट क्लोज हुआ था 89.88.9 पे, और मेरे उससे भी कम बन रहे थे, या उतने ही बन रहे थे, अगर मुझे सब्जेक्ट की याद नहीं है। तो मैं कब, अब तो नहीं होता। बनता है। उसके बाद लगा करना ऐसा हुआ, उस साल पे MCQ उसका मसला, फिर मैंने ये नहीं किया, फिर मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी कि मेरे पास ऑप्शन, ऑप्शन है, दुआ के हाँ अलावा दुआ बस के नहीं। अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं, बंदा हाँ जहाँ भी उम्मीदें लगाई हो ना, हाँ एट दिन आता उसी पर ही है। हाँ अच्छा तो दुआ मांगनी शुरू की, उसके बाद क्या हुआ कि वो भी 4 MCQ का मसला था, वो केस हुआ, उन्होंने कहा कि MCQ करेक्ट किए जाए, की करेक्ट हुई, उसमें से मेरे 2 MCQ ठीक हो गए, और 2 MCQ ठीक हुए तो मेरे 12 नंबर ऐड हो गए, 960 बन गया था उसमें MCAT के रिजल्ट में। तो मेरा एग्रीगेट 89.2 या 3 इस तरह बन गया, 89.29 था शायद। उसके बाद भी ना कोई चांस नहीं नजर आ रहे थे, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ मेरिट बढ़ पड़ता होता है। फिर लगा करना ऐसा हुआ कि फिर हिस टेस्ट में होता है, बीस MCAT नंबर में मिलता है। 20 नंबर हाँ आते हैं, अब तो जो है वो पिछले एक साल से खत्म कर खत्म दिया, कर तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। उसमें भी ये बड़ा किस्मत होती है कि या तो 20 मिलेंगे या नहीं मिलेगा, या 0 मिलेंगे। बिल्कुल उसके लिए तैयारी भी की और उसका टेस्ट दिया, तो होता भी काफ़ी, आप लोगों ने, आपने भी लिया होगा, काफ़ी स्पीड छह आता है, सवाल होते हैं, छः हर सवाल पांच होते सवाल में हैं, से एक सवाल। और जो है उसमें से 2 अगर गलत हो जाए तो कम 0। तो वो दिया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। उसके बाद मेरा एग्रीगेट 90 पे पहुंच गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सामने पे तो थोड़ा सा एग्रीगेट। ज्यादा ही हो गया था, क्लोजिंग से ज्यादा ही हो गया था। अच्छा तो उस वक्त जो है ना, मुझे वाकई फील हुआ कि अल्लाह पाक की मदद कैसे आती मतलब है। बाकी अल्लाह ताला सुनते हैं हमारी हाँ दुआओं को, बाकी, सुनते हैं। हाँ, और अल्लाह पाक मदद करते हैं उस वक्त। हाँ बाकी एक दफ़ा जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते होता है ना, उसके अलावा और भी वाकई आते हैं, वो ज़रा फिर कभी ज्यादा पर्सनल है, हाँ चले पर्सनल ठीक या है, हम कभी इतने कभी। पर्सनल में पहले पे आप नहीं जाएंगे।